अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्वीट एंड सॉल्टी किचन। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट चिप कुकीज। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, 1 कप बटर, सॉफ्ट बटर, 1/4 कप शुगर, 1/2 कप के पास ब्राउन शुगर और 1.5 कप फ्लोर मैदा, चॉकलेट चिप्स 1 कप के पास 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 एग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 1 एग डाल दिया है। अब उसके बाद मैं इसमें बटर डालूंगी और फिर इसको मैं बीट करूंगी। चलिए अब मैं इसमें वाइट शुगर ऐड करूंगी, साथ ही ब्राउन शुगर भी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। चलिए अब मैंने इसमें फ्लोर मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूंगी और एक अच्छी सी डो बना लूंगी। चलिए अब मैं इस डो में चॉकलेट चिप कुकीज डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करूंगी और इसको मैं 15 से 20 मिनट तक फ्रीजर में रखूंगी। चलें, इस डो में मैंने चॉकलेट चिप कुकीज ऐड कर दी हैं। अब मैं इसे मिक्स करूंगी और इसको मैं 15 से 20 मिनट तक फ्रीजर में रखूंगी। उसके बाद मैं इसकी कुकीज बनाऊंगी। अच्छा, इन कुकीज का साइज आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। मुझे इसी तरह से चाहिए थी, इसी साइज में, इसलिए मैंने इस तरीके से लिया। ये देखिए, ये मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और ये बहुत खस्ता है, बहुत अच्छे खाने में और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। थैंक यू सो मच।